पुलिस और इंडिया हॉस्पिटल ने मिलकर चलाया स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत 20 बच्चों को मरीज की देखभाल करने के साथ साथ अस्पताल के कई अन्य काम भी सिखाए गए, जिसमें 15 बच्चों का चयन किया गया और उन्हें रोजगार प्रदान किया गया। आज MDCT अस्पताल में चुने गए बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। इस मौके पर दिल्ली पुलिस की नॉर्थ वेस्ट DCP उषा रंगनानी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। साथ ही ACP मॉडल टाउन विपुल अनेकांत संघी ACP अशोक विहार गरिमा तिवारी मौजूद रहे। DCP उषा रंगनानी ने बताया कि इस तरह के प्रोग्रामों से युवाओं को रोजगार प्रदान कराने से युवाओं जुर्म की दुनिया से दूर किया जा सकता है, जिससे वे गलत राह पर न जाएं व अपने जीवन को एक अच्छी दिशा दे सके। दिल्ली पुलिस हमेशा इस तरह के प्रोग्रामों से युवाओं को रोजगार के अवसर देती रहती है। इस बार हेल्थ सेक्टर में युवाओं की ट्रेनिंग इसलिए भी कराई गई क्योंकि कोरोना की लहर से गुजरते हुए हमें इनकी काफी चलाया है। ये हमारी युवा प्रोग्राम है, जिसके अंदर हमारी कोशिश रहती है कि जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो यूथ हैं, जो अपने इकोनॉमिक डिसएडवांटेज की वजह से कोई गलत राह चुनने के लिए वनरेबल होते हैं, कि या तो वो क्राइम की तरफ भटक सकते हैं या फिर किसी बुरी संगत में पड़ सकते हैं या फिर किसी बुरी आदत जैसे नशा ड्रग्स के आदि जा सकते हैं, तो उनको इन चीज़ों पे जाने से रोकने के लिए हमने युवा स्कीम करी। और इसके अंदर इस बार हमने हेल्थ केयर सेक्टर पे फोकस करा कि जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को जो युवा बिलोंग करते हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, उनका स्किल ट्रेनिंग देकर, उनकी स्किल्स का अपग्रेडेशन कर उनको प्लेसमेंट का अवसर भी प्रोवाइड करा। तो इसमें हमने डिफरेंट हॉस्पिटल्स और एसेंशियल फर्म्स के साथ टाई अप करा, जिसमें आज यहाँ पे हम लोग माँ दुर्गा चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल के साथ भी हमने कोऑर्डिनेट करा और आज यहाँ पे एक प्लेसमेंट प्रोग्राम भी कराया। इसमें इन्होंने 15 कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी और इन सभी कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट दिया गया और इनमें से 12 कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए हैं उनको प्लेसमेंट भी दिया गया है और उनको लेटर ऑफ इंटेंट ऑफर करा गया है। कुछ सेक्टर्स के साथ मिलकर ये प्रोग्राम तो बहुत ही सालों से चल रहा है दिल्ली पुलिस में। डिफरेंट सेक्टर्स में हम लोगों ने युवाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, उनके स्किल्स को अपग्रेड किया है, जैसे कि ब्यूटिशियन में, वेलनेस सेंटर में, या फिर जो सिलाई मशीन की ट्रेनिंग हो गई या कंप्यूटर की ट्रेनिंग हो गई, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इनको ट्रेनिंग दी गई है अलग अलग फील्ड्स में और इनको एम्प्लॉयमेंट भी दिया गया। लेकिन इस बार जो स्कीम है वो थोड़ी डिफरेंट है इससे कि आपने पैंडेमिक के दौरान देखा कि काफ़ी हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर प्रेशर था, तो उसी को माइंड में रखते हुए हमने एक सोचा कि क्यों ना एक पूल ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स क्रिएट करा जाए। हम अपने युवाओं को ही, ये जो फाइट है पैंडेमिक के खिलाफ, इसमें इन्हीं को ही मेन स्ट्रीम करें। देखिए, ऐसा था कि बच्चों को प्रशिक्षण देने का मूल उद्देश्य सर्वसाधारण को हेल्थ केयर के साथ जोड़ना, उनको आपदा की स्थिति में जीवन यापन के साधन उपलब्ध कराना। जो कार्यक्रम दिल्ली पुलिस के द्वारा आगे रखा गया, उसका मूल उद्देश्य ही दिल्ली पुलिस की मुख्य कार्य प्रणाली से संबंधित है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का मुख्य कार्य प्रणाली जो है वो सुरक्षात्मक है, रोजगार और सुरक्षा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। DCP महोदया ने हमारे लिए 15 बच्चों को उन्होंने हमें भेजा, उन 15 बच्चों को हमने ट्रेन किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रखा, उनको ट्रेनिंग दी और अंततः हम 5 बच्चों को उनमें सिलेक्ट कर पाए, जिनका हम डिटेल्ड इंटरव्यू लेकर ताकि उनको आगे के लिए जॉब के लिए उनकी हेल्प कर सके। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बच्चों को एक रोजगार देने के लिए? अति आवश्यक है कि वो बच्चे हैं जो बिल्कुल ज़ीरो हैं, ज़ीरो मीन्स डाउन ट्रॉडन से हैं, बहुत ही नीचे स्तर पे होते हैं, और अगर हम इनका ध्यान नहीं करेंगे तो कल को ये क्रिमिनल बन सकते हैं। उनको रोकना और ठीक दिशा में ले जाना, इससे बड़ा पुण्य का कार्य मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है। हम किसी को भीख देते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे बच्चों को अगर रोज़गार देते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई और नहीं कर सकते। बहुत एक तो थैंक्सफुल हैं क्योंकि इन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम भी समाज की थोड़ी सेवा करें हॉस्पिटल के थ्रू, क्योंकि हम भी लॉकडाउन में बहुत बोर हो गए थे, तो जिस वजह से हमें बहुत थैंक्स है कि हम भी जनता की कुछ सेवा करें, कुछ हम भी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर घर पर रहते ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो हम घर पर ऐसे ही रहते। इस अपॉर्चुनिटी से हमें बहुत ये है कि हम बहुत कुछ आगे अब अचीव कर सकते हैं। अगर